हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज और आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं जो NCL की वैकेंसी आई हुई है, यानी कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में जो वैकेंसी आई हुई है टेक्नीसियन, और जो हमारी असिस्टेंट फोरमैन है उनकी जो वैकेंसी आई हुई है उसका हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं कि फॉर्म भरने से पहले आपके मन में जितने भी डाउट आते हैं वो सभी यहाँ पे दूर हो जाएंगे। कि सैलरी कितनी होती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम के लिए टाइम हमको कितना मिलता है, CBT एग्ज़ाम होगा या OMR सीट पे होगा, ठीक है। तो इस तरीके की जितने भी डाउट आपके मन में आते हैं, वैकेंसीज कितनी आई हुई हैं, एग्ज़ाम देने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, सभी डाउट आपके दूर हो जाएंगे। तो 5 मिनट मेरे साथ बने रहिए क्योंकि यहाँ पे जो आपको PDF पढ़ के नहीं सुनाया जाता है, यहाँ पे सभी चीज़ों का डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। और इन्फॉर्मेशन मैं ये दे दूँ कि बहुत ही जल्द जो NCL में फिटर की वैकेंसीज आई हुई हैं उसके रिगार्डिंग हमारी फिटर की क्लास भी शुरू होने वाली है। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पहले दूसरे चैनल पे फिटर पढ़ाता था, तो जिन लोगों ने मेरी वो फिटर की क्लासेस देखी होगी उनको लगा होगा कि हाँ मैं थोड़ा सा ठीक ठाक पढ़ाता हूँ। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियो आए NCL फिटर पे तो आपको वो मिल जाए। अब आइए हम लोग करते हैं इसका डिटेल्ड एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैकेंसी जो आई है, वैकेंसी की संख्या जो है वो कितनी है किस ट्रेड के लिए। तो नॉर्मली ये सभी चीज़ें सभी को पता चल गई होंगी, लेकिन जिन चीज़ों को जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसी आई है वो है 79, ठीक है। और क्वालिफिकेशन इसके लिए मांगा गया है डिप्लोमा, और डिप्लोमा से अगर ऊपर आपकी क्वालिफिकेशन है यानी कि डिप्लोमा है, बीटेक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बड़ा बात करेंगे ब्रांच की कि कौन से ब्रांच के आपका होना चाहिए। तो आपका जो ये डिप्लोमा या बीटेक होना चाहिए, ये होना चाहिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में आप अप्लाई, अगर आपका डिप्लोमा या बीटेक है तो आप असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसी के लिए जो 79 वैकेंसीज आई हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं जो 79 वैकेंसीज हैं ये दो ब्लॉक में हैं, दो डिपार्टमेंट में आई हैं। तो आपको पता है NCL में जो ब्लॉक होता है दो ब्लॉक में मुख्यतः उसको डिवाइड किया जाता है। पहला होता है एक्सट्रैक्शन ब्लॉक और दूसरा यानी कि जहाँ पर माइनिंग होती है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ब्लॉक। तो आप फॉर्म अप्लाई करते समय दोनों ब्लॉक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात करें टेक्नीशियन फिटर की कितनी वैकेंसी आई हुई है, तो यहाँ पे है 149 वैकेंसी। बात करें टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की तो यहाँ पे है आपकी 175 वैकेंसी मिल जाती है, ठीक है। जल्दी जल्दी हम नंबर देख लेते हैं। टेक्नीशियन टर्नर की यहाँ पे 19 वैकेंसी है, मशीनिस्ट की यहाँ पे 8 वैकेंसी है, और टेक्नीशियन वेल्डर की यहाँ पे 83 वैकेंसी है। यानी कि टोटल हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में है, इलेक्ट्रीशियन में। उसके बाद हमारी जो वैकेंसी आई है वो फिटर में आई हुई है। टर्नर की 19 सीटें हैं, मशीनिस्ट की 19 सीटें हैं, और वेल्डर की 83 सीटें हैं। अब आपको मैं बता दूं कि जो भी मैंने ये संख्या बताई है इसमें मैंने जो हमारे PWD कैंडिडेट हैं, PWD और एक्स सर्विसमैन, उनके लिए जो रिजर्व सीटें होती हैं उनको शामिल नहीं किया है। यानी कि ये जो सीटें हैं ये क्या हैं, ये फ्रेश सीटें हैं। यानी कि अगर आप जनरल OBC SC ST कैंडिडेट में आते हैं तो आप इसके लिए फाइट करेंगे, बाकी जो PWD और एक्स सर्विसमैन में सीटों की संख्या है वो अलग है। तो ये थी हमारी सीटों की संख्या। अब आइए देख लेते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया, असिस्टेंट फोरमैन के लिए क्या होना चाहिए, डिप्लोमा या बीटेक होना चाहिए आपका, किसमें, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारे टेक्नीशियन हैं उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है, उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है थोड़ा सा अलग है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, ITI कहाँ से, NCVT या SCVT से, यानी कि NCVT से हो या SCVT से हो, आपके दोनों ITI माने जाएंगे। जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड का आपके पास क्या होना चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद प्लस क्या होना चाहिए, 1 ईयर अप्रेंटिसशिप आपके पास क्या होना चाहिए, 1 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के होना चाहिए। कहाँ से, NCVT
या SC VT से, यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास 1 साल का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं जो अगला डाउट है। अब देखिए आपको थोड़ा सा मैं मोटिवेशन दे देता हूँ कि सैलरी जो है कितनी होने वाली है, ठीक है, क्योंकि उसी से आपको क्या मिलता है, उसी से आपको मोटिवेशन मिलता है। लेकिन सैलरी जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जब भी हमारा इसमें सिलेक्शन होगा तो क्या होगा, हमको पहले ट्रेनिंग पीरियड पे रखा जाएगा, यानी कि पहले हमको परमानेंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ दिनों की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो जो ट्रेनिंग पीरियड है वो दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग है। लेकिन अगर आप बात करें असिस्टेंट फोरमैन की, तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग पीरियड रखा गया है वो 2 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रखा गया है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, 2 साल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पे दी गई है, सैलरी है आपकी 31,852, 31,852.56 रुपये पर मंथ, ये आपका बेसिक सैलरी है। इसके बाद आप इसमें TAD इंक्लूड करेंगे तो ये सैलरी जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह अगर हम लोग बात करें टेक्नीशियन की, तो टेक्नीशियन की सैलरी नहीं है, टेक्नीशियन को ट्रेनिंग पीरियड में क्या दिया जाएगा, वेज। वेज मतलब क्या होता है, हमारा मजदूरी, ठीक है। अब देखिए वेज और सैलरी में डिफरेंस क्या होता है कि सैलरी हमारा मंथली दी जाती है, जबकि मजदूरी हमारा बेसिक यानी कि पर डे के हिसाब से काउंट होती है। तो यहाँ पे आपको जो टेक्नीशियन को वेज दिया जाएगा, मतलब ये मैं बताने का तरीका है, कोई ऐसी नहीं है, यहाँ पे जो मजदूरी भी है वो भी काफ़ी हाई है। तो मजदूरी देखिए यहाँ पे कितना है, 1,065.55 रुपये पर डे, ठीक है, ये आपकी रहेगी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान मजदूरी। और जो टेक्नीशियन का जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो रहेगा 1 साल का। तो अगर आप यहाँ से सैलरी निकाल सकते हैं तो सैलरी निकाल लीजिए, आप 24-25 दिन काम करते हैं तो यहाँ पे 25-30 हज़ार रुपये आपकी सैलरी हो जाती है, यानी कि ये भी सैलरी कम नहीं है ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, ठीक है। तो आप सैलरी देख लीजिए, असिस्टेंट फोरमैन की जो सैलरी है वो है 31,852 और टेक्नीशियन की जो सैलरी बैठती है वो 24 से 25 हज़ार रुपये कम से कम बैठती है, इससे ज़्यादा ही हो सकती है। अब हम लोग बात करेंगे एज लिमिट की, एज लिमिट के बाद हम लोग देखेंगे सेलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है इसका, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं एज लिमिट की, कि एज लिमिट यहाँ पे आपसे कितनी मांगी गई है। तो एज लिमिट जो रखी गई है वो रखी गई है 30 साल, ठीक है। एज लिमिट कितनी रखी गई है, एज लिमिट है आपके लिए 30 साल, ये हमारी क्या है, नॉर्मल एज लिमिट है। यानी कि अगर आप क्या करते हैं, OBC कैंडिडेट हैं या आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का, आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन, और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन भी इसमें मिल जाता है। अब आइए देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। तो आइए एग्ज़ाम पैटर्न पे हम लोग बात करते हैं। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसका बहुत ही सिंपल है, जो कोई भी हमारा टेक्निकल एग्ज़ाम होता है उसी तरीके से इसका भी एग्ज़ाम पैटर्न है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो इसका सिलेक्शन है वो किस बेसिस पे किया जाएगा। तो सिलेक्शन आपका किया जाएगा रिटेन टेस्ट के बेसिस पे, और जो रिटेन टेस्ट होगा वो आपका CBT नहीं होगा, ये कैसा टेस्ट होगा, OMR बेस्ड टेस्ट होगा, OMR बेस्ड टेस्ट। यानी कि आपको एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा और साथ में आपको क्या दी जाएगी, एक OMR सीट दी जाएगी, जो अभी आंसर आपको सही रहेगा उसमें से ABCD ऑप्शन आपको पेन से भरने रहेंगे। तो जिन लोगों को CBT देने में प्रॉब्लम होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने में डर लगता है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आप यहाँ पर कैसा टेस्ट होगा, OMR बेस्ड टेस्ट होगा। अब देखिए इसमें आपसे क्या पूछे जाएंगे, इसमें आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, 100। 100 में से क्या होगा, आपसे जो 70 प्रश्न पूछे जाएंगे वो किससे पूछे जाएंगे, जो भी आपका ट्रेड रहेगा या जो भी आपकी ब्रांच रहेगी। और 30 प्रश्न आपसे कहाँ से पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे मेंटल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से जो नोटिफिकेशन आया था उसमें
इन चीज़ों में मतलब किस कितने जनरल कितने मैथ के प्रश्न रहेंगे, कितने रीजनिंग के रहेंगे, कितने जीके के हो सकते हैं, जब इसको निकालने की कोशिश किया और मैंने क्या किया, जैसे मुझे फिटर की क्लास लेनी है तो मैंने ट्रेड का भी जब सिलेबस निकालना चाहा तो वहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि अभी जो यानी कि अलग से सिलेबस, जैसे हर ट्रेड का अलग सिलेबस रहता है, वो क्या किया जाएगा, वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, लेकिन वेबसाइट पर वो अलग से अभी सिलेबस अपलोड नहीं हुआ है। अगर सिलेबस अलग से अपलोड होता है तो मैं आपको उसकी जानकारी दे दूंगा। जैसे देखिए ट्रेड क्या है, आपका ट्रेड फिटर है तो आपको पता है कौन कौन से चैप्टर हैं, लेकिन जो भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम कोई भी बोर्ड कराता है तो वो एक अलग से सिलेबस जारी करता है, तो हो सकता है उसमें कुछ चैप्टर क्या होते हैं इंक्लूड हो जाते हैं और ज़्यादा हो जाते हैं, और कुछ चैप्टर जो आपने पढ़े हैं वो वहाँ से हट जाते हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करते हैं, वो ट्रेड का सिलेबस सेट करते हैं। तो अभी नोटिफिकेशन में ये लिखा गया है कि हर ट्रेड का जो सिलेबस है अलग अलग वो वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, लेकिन अभी वो जारी नहीं किया गया है। तो आपको देखिए क्या देना है, रिटन टेस्ट देना है, कोई एमआर बेस्ड टेस्ट होगा, यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे, 70 क्वेश्चन आपसे आपके ट्रेड से रहेंगे और 30 प्रश्न कैसे रहेंगे, 30 प्रश्न आपके नॉन टेक्निकल रहेंगे। अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि माइनस मार्किंग यानी कि निगेटिव मार्किंग, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि जो निगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है। आप सभी प्रश्नों को अगर नहीं भी आता तब भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं, यहाँ पे ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, और आपको जो टाइम दिया जाएगा 100 प्रश्नों को जो करने के लिए टाइम दिया जाएगा वो आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है, और जो आपके पास सिलेबस होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और आपके पास प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, टाइम को मैनेज करना आपको आना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए, अब देखिए दूसरी बात यह है कि जो एग्ज़ाम देने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर। और एग्ज़ाम सेंटर आपको कहाँ मिलेंगे, एग्ज़ाम सेंटर आपको दो ही जगह मिलेंगे जहाँ पे एनसीएल का हेडक्वार्टर होगा, वो कहाँ है, सिंगरौली, सिंगरौली एमपी, और सोनभद्र, भद्र यूपी। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एग्ज़ाम देने के लिए, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, लेकिन आपको एग्ज़ाम देने के लिए सिंगरौली एमपी यहाँ पे या तो सोनभद्र यूपी, दो सेंटर बनाए जाएंगे, आपको एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ पे जाना पड़ेगा। अब देखिए नोटिफिकेशन में ये भी लिखा गया है कि कैंडिडेट की संख्या के आधार पर सेंटर को और कहीं भी बनाया जा सकता है या बदला भी जा सकता है, लेकिन इसकी जो पॉसिबिलिटी होती है बहुत ही कम होती है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन में लिखा रहता है वहीं पे जो इस प्रकार का रिक्रूटमेंट रहता है, इस प्रकार का बोर्ड रहता है, वो वहीं पे क्या कराता है, एग्ज़ाम कराता है। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है कि अप्लाई ऑनलाइन का जो इसका लिंक है वो कब खुलेगा, तो इसका अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक है यानी कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक 3/8 से खुल जाएगा, 3 अगस्त 2020 से आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो कितनी है, वो है हमारी 25/8/2020, यानी कि 3 तारीख से 25 तारीख तक क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा सवाल आता है वो ये आता है कि फ़ीस आपको कितनी लगेगी, यानी कि जो ये एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपसे कितनी ली जाएगी, तो वो आपसे ली जाएगी 500 रुपये। अगर आप क्या हैं, जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो आपसे फ़ीस कितनी ली जाएगी, 500 रुपये। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी डाउट आपके हो सकते थे मैंने यहाँ पे NCL का जो फॉर्म आया हुआ है उससे कैंसिल कर, उससे जो है जितने भी डाउट आपके हो सकते थे उसको क्लियर करने की कोशिश की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको कुछ हेल्प मिली हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बता दीजिए कि यहाँ पे जो NCL की वैकेंसी आई हुई है उसके रिगार्डिंग फिटर की क्लासेस शुरू होने वाली हैं। अगर आपको और किसी ट्रेड की क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस ट्रेड की क्लास चाहिए, बहुत ही जल्द यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए फर्दर अपडेट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।